कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। आज के डेट में जब भी कोई भी चीज आप परचेज करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बजट सेगमेंट में बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है। और ऐसे ही अगर आप कोई गैस स्टोव परचेज करना चाहते हैं और आपका बजट है कि भैया 2-2.5 हजार रुपए से लगाकर 3-3.5 हजार रुपए की रेट के अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक गैस स्टोव आपके घर में आ जाए, जो कि 3 बर्नर का हो, 3 बर्नर का हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। और मैं लोकेश आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। जब भी हम गैस स्टोव परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि कौन सा गैस स्टोव परचेज करें, एक ग्लास का गैस स्टोव परचेज करें या फिर स्टेनलेस स्टील गैस स्टोव परचेज करें। स्टेनलेस स्टील गैस स्टोव होते तो रफ एंड टफ है लेकिन उनके ऊपर बहुत ही जल्दी स्क्रेच लग जाते हैं और बहुत ही जल्दी पुराने लगने लगते हैं और आपकी किचन के अंदर वो लुक नहीं दे पाते जो कि आपको ग्लास का गैस स्टोव देने वाला होता है। ग्लास के गैस स्टोव पे बहुत ही जल्दी स्क्रेच नहीं लगते, काफी लंबे टाइम तक नए के नए बने रहते हैं। अब जब भी हम गैस स्टोव लेने जाते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो गैस स्टोव है उसका डायमेंशन क्या है ताकि आपकी किचन की स्लैब पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ जाए। होता यह है कि अगर बड़े साइज से गैस स्टोव ले लिया और आपकी किचन की स्लैब पर फिट नहीं बैठा तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। अगर बहुत ही छोटे साइज का गैस स्टोव ले लिया उससे आपका काम परफेक्टली नहीं हो पा रहा तो उस चीज के अंदर भी प्रॉब्लम है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आप ये चीज देख लीजिए कि जो भी आप गैस स्टोव परचेज कर रहे हैं उसके अंदर आपको ब्रास के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्नर मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। एक मेन चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है कि इनलेट नोजल जहां से आपको गैस की सप्लाई मिलनी है उस गैस स्टोव को, वो आपको बैक साइड में मिल रहा है या फिर राइट हैंड साइड मिल रहा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है। ये चीज अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो काफी आसानी हो जाती है उस गैस स्टोव को इंस्टॉल करने के अंदर। यहाँ पर स्पेस बिटवीन द बर्नर भी काफी मायने रखता है। अगर 2 बर्नर के बीच में काफी अच्छा खासा स्पेस है तो आप काफी आसानी से बड़े बर्तन आसपास रख सकते हैं। अगर कम स्पेस है तो 2 बड़े बर्तनों को आपको रखते हुए उस गैस स्टोव पे आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट गैस स्टोव परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी गैस स्टोव दिखाने वाला हूँ वो सारे के सारे आपको मैनुअल इग्निशन के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। टॉप 5 की लिस्ट के अंदर है सबसे पहले बटरफ्लाई का स्मार्ट 3 बर्नर गैस स्टोव। इस गैस स्टोव के अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की 3 ब्रास के बर्नर देखने को मिलते हैं और ये 3 ब्रास के बर्नर आपको ट्राई पिन बर्नर देखने को मिलते हैं। अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रास का बर्नर आपकी गैस स्टोव के साथ में आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो गैस स्टोव के बर्नर काफी लंबे टाइम तक भी चलने वाले होते हैं, साथ ही साथ वो फ्यूल एफिशिएंट बर्नर भी होते हैं। मतलब ये हुआ कि खाना पकाते पकाते आपकी गैस की भी बचत करने वाले होते हैं। इस गैस स्टोव के साथ में आपको 1 मीडियम साइज का साथ साथ 2 स्मॉल साइज के बर्नर देखने को मिल जाते हैं। एक खास चीज इस गैस स्टोव के साथ में ये है कि यहाँ पर आपको इनलेट नोजल बैक साइड के अंदर देखने को मिलता है जो कि 360 डिग्री रोटेट होता है, तो आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपकी गैस की नली को फिट कर सकते हैं। अगर बात करें इसके लंबाई की तो 67 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 34 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, साथ ही साथ 11 सेंटीमीटर इसकी हाइट देखने को आपको मिलती है। मतलब यहाँ पर काफी बड़े साइज का ये गैस स्टोव आपको देखने को मिलता है। इतना बड़ा भी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं आपको मीडियम साइज का ये गैस स्टोव देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा बड़े साइज का गैस स्टोव है तो बर्नर टू बर्नर स्पेसिंग भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। मतलब ये हुआ कि बड़े साइज के बर्तन भी आप काफी इजीली इस गैस स्टोव के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें वारंटी की तो 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इस गैस स्टोव के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। अगर रेट की बात करें तो ये गैस स्टोव आपको लमसम 3 हजार रुपए की रेट के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें प्रॉन्स की तो इस गैस स्टोव की जो डायमेंशन है वो इसे काफी खास बनाती है। अगर बात करें कॉन्स की तो जो वारंटी है इस प्रोडक्ट के ऊपर वो आपको बहुत ही कम मिल रही है। मतलब 3 हजार रुपए के बजट के अंदर अगर इस गैस स्टोव के अंदर अगर 2 साल की वारंटी मिल जाती तो ये गैस स्टोव काफी अच्छा बैठ जाता इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। वैसे जो क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी मिलने वाली है, आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जैसा आपको पता है आप बेझिझक इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गैस स्टोव की जो की पिजन का एस्टर 3 बर्नर गैस स्टोव। अब ये जो गैस स्टोव है हमारी इस लिस्ट में शामिल इसलिए है कि यहाँ पर आपको बहुत ही नॉमिनल रेट के अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गैस स्टोव देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट कुछ इतना है कि आपको 2200-2300 रुपए से लगाकर 2500 रुपए की रेंज के अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गैस स्टोव मिल जाए तो ये गैस स्टोव काफी अच्छा हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर इस गैस स्टोव के अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रास के 3 बर्नर देखने को मिलते हैं जो की ट्राई पिन बर्नर होने वाले हैं। 1 मीडियम साइज का और 2 स्मॉल साइज के बर्नर देखने को मिलते हैं जो की खाना पकाते पकाते आपके गैस की भी बचत करने वाले हैं और साथ ही साथ
यहाँ पर इस गैस स्टोव के अंदर आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैन सपोर्ट इस गैस स्टोव के साथ में देखने को मिलेंगे। एंटी स्किड लैग इस गैस स्टोव के साथ में देखने को मिलती है। पाउडर कोटेड बॉडी जो कि इस गैस स्टोव की सबसे खास चीज है, जिसकी वजह से काफी लंबे टाइम तक ये गैस स्टोव आपके साथ में बना रहेगा। अगर बात करें डायमेंशन की तो यहाँ पर हाइट विड्थ एंड लेंथ आपको 60, 40 and 10 देखने को मिलती है। मतलब 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, साथ ही साथ 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। इनलेट नोजल देखने को मिलता है इस गैस स्टोव में, आपको राइट हैंड साइड देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो गैस स्टोव है बहुत ही नॉमिनल रेट, जैसा मैंने आपको बताया कि लमसम लेस करके 2300 रुपए से लगाकर 2400 रुपए 2300 to 2400 की रेट के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की तो इस गैस स्टोव के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको जो इनलेट नोजल मिल रहा है वो आपको राइट हैंड साइड देखने को मिलता है, बैक साइड में नहीं मिलता है। अब अगर आपको एक ऐसा गैस स्टोव चाहिए जिसके अंदर इनलेट नोजल भी आपको बैक साइड के अंदर मिल जाए, साथ ही साथ रेट के अंदर भी 2300 से लगाकर 2500 रुपए की रेट के अंदर मिल जाए, तो इस वीडियो के अंदर जो थर्ड नंबर पे गैस स्टोव है वो है लाइफ लॉन्ग का एक गैस स्टोव। अब ये इस गैस स्टोव के अंदर भी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 3 ब्रास की फ्यूल एफिशिएंट बर्नर देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें इस गैस स्टोव के डायमेंशन की तो यहाँ पर ये गैस स्टोव आपको काफी कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है। मतलब लमसम 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, अराउंड 40 सेंटीमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर के आसपास आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिल जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको इनलेट नोजल बैक साइड के अंदर देखने को मिलता है, जो कि 360 डिग्री रोटेट होगा। कहीं पर भी आप गैस की नली को जिस भी डायरेक्शन के अंदर फिट करना चाहें इजीली फिट कर सकते हैं। और रेट की बात करें तो 2300 से लगाकर 2500 रुपए की रेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कॉन्स की तो इस गैस स्टोव की सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको वारंटी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की ही देखने को मिल रही है। बाकी क्वालिटी काफी अच्छी है, आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का इस गैस स्टोव का भी परचेज लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जल्दी जाइए और जल्दी से परचेज कर लीजिए। फोर्थ गैस स्टोव में हमारे पास है मिल्टन का प्रीमियम 3 बर्नर गैस स्टोव। ये गैस स्टोव हमारी लिस्ट में इसलिए है बिकॉज यहाँ पर जो आपको 3 ब्रास के बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ्यूल एफिशिएंट जो आपको बर्नर देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपको एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज साइज का बर्नर देखने को मिल जाता है। अब तक आपने देखा होगा जितने भी गैस स्टोव हमने बताए इस वीडियो के अंदर, सभी के अंदर आपको स्मॉल एंड मीडियम साइज के बर्नर देखने को मिल रहे थे, लेकिन लार्ज साइज का बर्नर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। लार्ज साइज के बर्नर के थ्रू कोई भी चीज आपको अगर फास्ट कुक करनी है तो यह काम काफी इजिली आप कर सकते हैं। अगर बात करें डायमेंशन की तो यहाँ पर 72 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 42 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, साथ ही साथ 12.5 सेंटीमीटर हाइट के साथ में ये गैस स्टोव आपको देखने को मिल जाता है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ में गैस स्टोव आपको मिलने वाला है। यहाँ पर इस गैस स्टोव के अंदर आपको इनलेट नोजल राइट हैंड साइड देखने को मिल जाता है। अगर बात करें रेट की, अराउंड 3000 के आसपास ये गैस स्टोव आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे मेन प्रॉब्लम इस गैस स्टोव के अंदर मुझे लगी वो तो ये है कि यहाँ पर जो वारंटी आपको मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ईयर की देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर इनलेट नोजल भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पर आपको इनलेट नोजल बैक साइड के अंदर देखने को मिलता तो वो ज्यादा बेटर रहता। साथ ही साथ अगर बात करें प्रॉन्स की तो यहाँ पर जो आपको जंबो साइज का बर्नर मिल रहा है, जो आपको लार्ज साइज का बर्नर मिल रहा है, वो इस गैस स्टोव को काफी वैल्यू फॉर मनी बनाता है। अब जो नेक्स्ट गैस स्टोव है हमारे पास में 5th नंबर पर, वो है हमारे पास में एलिका का। यहाँ पर इस गैस स्टोव के अंदर भी आपको 3 बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रास की फ्यूल एफिशिएंट बर्नर देखने को मिलते हैं, और जो बर्नर मिल रहे हैं उसके अंदर 2 मीडियम और 1 स्मॉल साइज का बर्नर देखने को मिलता है। लेकिन जो बर्नर की जो क्वालिटी है वो आपको वाकई में बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का लार्ज साइज का बर्नर देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन जो इनलेट नोजल इस गैस स्टोव के अंदर आपको देखने को मिलता है वो आपको बैक साइड के अंदर 360 डिग्री का रोटेट करने वाला देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से काफी इजीली कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप गैस की नली को फिट कर सकते हैं। और एक खास चीज ये कि इस गैस स्टोव की जो बिल्ड क्वालिटी है वो वाकई में आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। कंप्लीट आपको पाउडर कोटेड बॉडी देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ड्रिप ट्रे भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से काम में लेने के बाद में गैस स्टोव को काफी इजिली आप क्लीन कर सकते हैं। अगर बात करें डायमेंशन की तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लेंथ है, 41 सेंटीमीटर विड्थ है, 13 सेंटीमीटर इसकी आपको ऊंचाई देखने को मिल जाती है।
2 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ में ये गैस स्टोव आपको देखने को मिलता है। अराउंड आपको ये मान के चलिए कि 3,400 से लाकर 3,500 रुपए की रेट के अंदर ये गैस स्टोव आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, कई बार आपने देखा होगा कि आपको गैस स्टोव के अंदर 2 ईयर प्लस 5 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, मतलब ओवरऑल गैस स्टोव पे आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, लेकिन ग्लास के ऊपर आपको 5 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इस गैस स्टोव के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलता। अगर ऐसा होता है तो ये गैस स्टोव आपके लिए और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। बाकी जो क्वालिटी है इस गैस स्टोव की काफी अच्छी है, आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं, और इस गैस स्टोव के भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया, आप बेझिझक इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस मैं लोकेश आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके। तो प्लीज मेरे साथ में बने रहे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।